टारगेट आ चुके हैं और आज मंडे था, हमें याद नहीं है। देखो सब क्लोज पड़ा नहीं यार। चलो इन्हें आपने कर ली शॉपिंग और हमने भी कर लिया। चलिए ट्विंस ब्रदर है ना, क्या हम आ चुके हैं साइंस स्वीट्स, तो बच्चों को आइसक्रीम वगैरह भी खिला देंगे यहाँ से, तो आइसक्रीम की जिद कर रहे हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह के 11 बजे से, तो आज भी 11 बजे से स्टार्ट किया और मैं सो के उठा 9 बजे, तो आज थोड़ा सा नींद आ भी रही थी मगर कोई बात नहीं। तो न्यापी तो अपने कपड़े वॉश कर रही है ईद के सारे बच्चों के, और न्यापी और मैं शायद मेरठ जा सकते हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए न्यापी को, तो न्यापी को शॉपिंग करनी थी तो जाएंगे। तो अभी मम्मी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है, तो देखते हैं। मम्मी शायद मुंबई का फेमस पोहा बना रही हैं और जो भी बना रही होंगी वो भी दिखाएंगे हम आपको। और ये देखिए बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। हाँ तुम भी चलना। और देखो कभी सॉरी अली देखो कहाँ बैठा है, फॉर्चुनर पे बैठा है, हमारी फॉर्चुनर पे। अली क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों बैठो आप धूप में, क्यों बैठो, मजा आ रहा है आपको? हाँ मिनी मेट्रो पे बैठा है कभी अली, बार बार कभी निकलता क्योंकि कभी मेरे मुंह पे दादा चढ़ा हुआ है ना, कभी कभी हमारा शून्य पारा की उठा पारा बच्चा है नहीं। वो इतने 100 रुपए से किने दिए, मैंने दिए थे मैंने दिए थे। तो फिलहाल व्लॉग तो हमने स्टार्ट कर दिया, मिलते हैं आपसे बाद में। देखिए मम्मी बना रही है मुंबई का फेमस पोहा, तो ये ब्रेकफास्ट में बना रही है मम्मी। हमारा तो ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है और पोहा बनाया मम्मी ने, तो पोहा उतार दो ना मुझे। कबीर भी ब्रेकफास्ट कर रहा है। ओके आप भी जाओगे मेरठ, रकीब भी जा रहा है। देखो ये रकीब भी रेडी हो गया, रकीब को सुई लगाते हुए देखोगे, रकीब को सुई लगाते हुए देखेगा कबीर। हम मेरठ जा रहे हैं ना, मेरठ कबीर रकीब के सुई भी लगा देंगे ठीक है, और शॉपिंग भी कर लेंगे। तुम्हें शॉपिंग करनी थी ना, है ना, ठीक है ठीक है। बंदूक बंदूक लोगे? नहीं बंदूक बंदूक कुछ नहीं लेनी, मेरठ लेके जा रहा हूँ यही बहुत है बस ठीक है। अरे मेरठ, और देखिए कबीर भी लग गया था हमारे पीछे, कबीर को भी ले लिया, नेहापी और रकीब सब बैठे हैं, और चलिए चलते हैं मेरठ के लिए। मेरठ आ चुके हैं और आज मंडे था, हमें याद नहीं है। देखिए सब क्लोज पड़ा नहीं यार, सब क्लोज है, यहाँ इतनी भीड़ रहती थी और सब बंद है। फिलहाल जा रहे हैं मार्केट में अंदर, है फिर भी ईद की वजह से सब बंद है, और फिर आज मंडे भी है तो मंडे में मार्केट बंद रहती है। और देखिए सब यहाँ पर बेच रहे हैं, फिर भी खुली हुई है दुकानें। ट्विंस ब्रदर का प्यार देखिए, ट्विंस ब्रदर है ना, आप ट्विंस हो, देखो प्यार देखिए, फिर घर जाके देखो कितना लड़ते हैं। ये क्या हो रहा है इसको बांटे को, चलो नहीं आपने कर ली शॉपिंग और हमने भी कर लिया, चलिए चलते हैं। बिल्कुल मार्केट सन्नाटा एकदम, एक तो मंडे और फिर त्योहार भी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी टी शर्टें देखने के लिए, अगर टी शर्टें मिल गई तो टी शर्टें ले लेंगे। देखिए बिल्कुल सूम साम एकदम, अपने लिए टी शर्ट वगैरह ले लिए और अब हम जा रहे हैं बाहर, फिर चलते हैं वापस और जो भी होगा हम देख लेंगे। तो देखिए दुकानें कुछ खुली ही हैं कुछ बंद है, तो देखो कभी रे और यहाँ पे सूट वगैरह अपने लिए ले लिए, अम्मी के लिए भी लिए हैं हमारी। तो कबीर देखिए ये खेल रहा है यहाँ पर, कबीर कबीर नहीं रकीब है यार, मतलब नाम में इनका मेरे मुंह पे बस कबीर 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 चढ़ा रहता है कबीर कबीर। तो चलिए चलते हैं, चले कबीर फिर देखो फिर कबीर। हम तो आ चुके अपनी बाइक लेने के लिए और देखिए सेलिब्रिटी की तरह घूम रहा हूँ हेलमेट लगा कर, जैसे सेलिब्रिटी हो। चले बाइक कह रहे हमारी, हाँ चलिए चल निकलते हैं फिर मिलते हैं। क्या हम आ चुके हैं साइंस स्वीट्स, तो बच्चों को आइसक्रीम वगैरह भी खिला देंगे यहाँ से, तो आइसक्रीम की जिद कर रहे हैं, तो साइंस स्वीट्स आ गए, चलिए चलते हैं। और ये देखिए बच्चे कहाँ फोटो शूट करा रहे हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। बहुत बार हम आ चुके हैं साइंस स्वीट्स, देख लो कुछ लेना हो तो। अली के लिए क्या लोगी, मिक्स वेज रोल, ये तो मैं वेज रोल है, वेज रोल चाहिए। डबल चीज पिज्जा ले लो, ये 55 का है, ले लो अपने लिए ले ले। हाँ अपने लिए तो हमारे लिए तो पनीर पिज्जा, ऑनियन बर्गर, पिज्जा पैटीज लेना, पिज्जा पैटीज भी अच्छी है, पिज्जा पैटीज निकाल देना। ये बटर एक बटर ले लो,
एक बटर ले लो, एक हाँ एक बटर दे दो, एक एक पिज्जा पैटीज दे दो, खानी है यहीं पर। और है ना एक पैक करवा देना, पैटीज ले लो क्या? हाँ पैटीज ले लो, या फिर ओनियन बर्गर या पिज्जा ही ले लो अली के लिए। भैया एक पिज्जा पैक कर दे, डबल चीज पिज्जा। हाँ डबल चीज पिज्जा ही जल्दी से कर दीजिए भाई, है ना। देखो कैसे खा रहे हैं आइसक्रीम बैठ कर मस्त। ये इटालियन पिज्जा ज्यादा सही लग रहा है ना, अली के लिए इटालियन पिज्जा ले रहे हैं। डबल चीज पिज्जा मना कर रहे हैं यहाँ पे, तो इटालियन पिज्जा ले रहा है भाई। ये इटालियन पिज्जा कर देना, डबल चीज पिज्जा मत करना, ठीक है? सुन रहे हो भाई? लो हाँ कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं, ठंडी हो रही है। बच्चों के लिए कितना करते हैं आप भी, आइसक्रीम भी दिलाई बच्चों को और कैन भी दिला दिए, तो बच्चों की सारी जिद पूरी करती है माशाल्लाह। तो हमारी बटर पैटीज और पिज्जा पैटीज आ गई है, और आइसक्रीम देखो छोड़ दिए इन्होंने, कोक के आगे। कोक पी रो, ये बंद नहीं होती, ये ऐसी रहती है, आप पी लो। देखो ऐसे हटो हटो, आप पी लो, ठीक है? चलो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हमने अली के लिए लिया है इटालियन पिज्जा, तो अली के लिए सरप्राइज रहेगा, अली भाई के लिए सरप्राइज है ना। नहीं इटालियन पिज्जा, इटालियन पिज्जा, वाओ। कोक नहीं पीते भाई, हाँ गंदी लगती है। हमारा तो हो गया और बच्चे पी रहे हैं कोक, तो इनका होने के बाद फिर निकलते हैं घर के लिए, तो डायरेक्ट घर जाकर मिलेंगे। रकीब किसके लिए सरप्राइज है ये? अली भाई के लिए सरप्राइज है। कौन सा पिज्जा लिया हमने? इटालियन, इटालियन, इटालियन पिज्जा लिया है, हाँ अली भाई के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और असद भाई की यहाँ भी तो ओपनिंग हो गई साइंस वेट्स की, बहुत बढ़िया खुलाया सर, असद भाई बता रहे कल जाएंगे इंशाल्लाह दोबारा, वहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे भी देखेंगे। हम तो मेरठ से आ चुके हैं, और मेरठ से आने के बाद मैं फ्रेश भी हो गया हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा धूल मट्टी थी रोड पर, काम चल रहा है। और ये देखिए निहापी सूट वगैरह दिखा रही है मम्मी को, तो अपनी पसंद से लेकर आई है निहापी मम्मी के लिए, और मैं भी अपने लिए टी शर्ट लेकर आया हूँ। ये रही, ये मैं अपने लिए टी शर्ट लेकर आया हूँ, एक ये कलर लेकर आया हूँ, एक ये और एक ये, तो ये तीन टी शर्टें मैं लेकर आया हूँ अपने लिए और मम्मी के लिए। देखो सूट, ये किसके लिए? अच्छा ये निहापी की सास के लिए, तो निहापी सारे सूट जल्दी जल्दी से लिए, और हम जल्दी से मेरठ से आ भी गए अपना रेस्टोरेंट, रुक कर भी रेस्टोरेंट खाया पिया। अली आपको पिज्जा मिल गया? पिज्जा इटालियन पिज्जा मिल गया था। गाइस खाने का टाइम हो चुका है, ओवेस जल्दी से बैठो आराम से, जल्दी से खाना खाओ। कबीर रकीब जल्दी से, तेरा नाम मुझे कबीर क्यों निकलता है यार? रकीब कबीर हो रहा, मोबाइल के चक्कर में खड़ा है। अली चलो जल्दी से खाना खाओ, न्यापे आ जाओ, चलिए खाना खाते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। गाइस आराम से सब खाना खा रहे हैं, पापा न्यापे नीचे बैठे हैं, अदीम भाई भी आ गए, खाना खा रहे हैं। हमें कबाब किधर है? छोड़ने गया था ना मैं, एक कबाब तो टाइम से लेके था, अभी तो कबाब निकाल के देना है। वो लड़का है नहीं यहाँ पे, दही फुल्की भी है ना? 500 में दही फुल्की भी, ओह माय गॉड दही फुल्की बनाई मम्मी ने, मम्मी को गुस्सा आ रहा है। ओवे भाई तो खाना नहीं खा रहा, दही फुल्की खा रहा है। देखिए हमारी चाय तो खोलती खोलती पागल हो गई है, तो यहाँ पे ऐसी बनाती है चाय दिल्ली में, तो ऐसी ही बना रहा हूँ मैं आज। देखिए मैंने सबके लिए चाय रेडी कर ली है, और अली की पिटाई हो रही है, तो सबके लिए चाय बना ली है मैंने। जा रहे हो रकीब? रकीब जा रहे हो? ओ तो यहाँ पे तो जा रही है दिल्ली, और कब वापसी है? वापसी कब है? अब पता नहीं भाई, पता नहीं, मैंने घर देखी यार, मेरे को इतना बड़ा वो है कि यार कहाँ से दिखी वॉक। ओ माय गॉड, जा रही है दिल्ली वापस, और फिर पता नहीं कब वापसी होगी, मतलब संडे या सैटरडे। नहीं मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, वॉइस ओवर यहाँ पे करती है बस, मैं तो रियल। तो पापा सूरभ अगर पढ़ रहे थे, पापा आ गए, निहापी को साकिब भाई को जाते देखा, पापा सूरभ अगर पढ़ते पढ़ते आ गए, पढ़कर फूंक भी मार दिए। देखो कितनी जल्दी है अली को, रकीब को कितनी जल्दी है, कितनी जल्दी है। चले जा कभी दिल्ली चले जा,
पापा के साथ पीनट बटर देंगे पीनट बटर। अच्छा कभी तो जाता ही नहीं है। ये चले गए हैप्पी दिल्ली, सैटरडे संडे वापसी होगी इंशाल्लाह। कौन सी आइसक्रीम लिया आपने जल्दी से नाम बताओ। हाँ चोकोबार लिया। तो भाई मैं कह रहा था नहीं कह रहा था आपको, ये पहले देखेगा लेगा यही चोकोबार। तो नानी ने कबीर के पैसे दे दिए आकर, मेरे पास खुले नहीं थे कबीर, 500 था मेरे पास। तू कहीं बेइज्जती मत करा कर, पता नहीं खुले हुए हो या ना हो। हम सब तो खा रहे हैं आइसक्रीम, कबीर भी और कबीर की नानी भी और सदप्पी भी खा रही है। सदप्पी कह रही है नहीं नहीं इनको पता चल जाएगा तो गुस्सा करेंगे मुझे। तो देखिए पापा सूर्य पकड़ पड़ रहे हैं, तो साकिब भाई यहाँ पे दिल्ली जा रहे थे तो इसलिए उठकर आ गए थे पढ़ते पढ़ते। नहीं तो पापा पढ़ते हुए उठते नहीं है ना किसी से बोलते, पापा जल्दी से किसी से बोलते भी नहीं है पढ़ते हुए। तो माशाल्लाह हाजी जी लग रहे हैं एकदम। आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए गाइस हमारे मामा ने लिए न्यू कार, तो शोरूम गए हुए हैं तो शोरूम से बस गाड़ी निकाल रहे हैं। देख सकते हैं ज़बरदस्त गाड़ी लग रही है, इको है वाइट कलर में, आप देख सकते हैं फैमिली कार है। तो कंग्रेचुलेशन मामा, तो बहुत अच्छी कार है, बहुत बढ़िया लग रही है। और वाइट कलर में तो कार कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, ब्लैक भी अच्छी लगती है मगर इको ना वाइट कलर में ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये देखिए मेरे मामा का बेटा है माज, तो अंदर गाड़ी में सबसे पहले यही बेटा है। तो मामा की न्यू कार आ गई है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मम्मी को तो बहुत ज़्यादा खुशी है। मम्मी ने जब देखा, मामा ने फ़ोटो भेजा तो बहुत खुशी हुई मेरी मम्मी को। और मामा की न्यू कार है, मामा को तो बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये देखिए हुदा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो सबसे पहले लेने गए कार, तो कार लेने के बाद हुदा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो सब फैमिली के साथ। तो बहुत खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है। तो हुदा के बर्थडे के दिन मामा ने कार ली है, तो स्पेशल डे था हुदा के लिए और स्पेशल ही बना दिया मेरे मामा ने हुदा के लिए। तो इतनी अच्छी कार ली है फैमिली के लिए, तो सब खुश हैं, सब मुमानी भी उमर भी सब खुश हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी, जब भी हम मुंबई जाएंगे तो घूमेंगे ज़रूर। तो गाइस मैं तो आ गया हूँ वापस घर घूम घाम कर, और शाम से मैंने कोई क्लिप भी नहीं बनाई। तो माशाल्लाह हमारे मामा ने न्यू कार ली, आपने देख लिया है। और मेरे मामा की लड़की का भी बर्थडे था तो वो भी सेलिब्रेट हुआ, वो भी आपने देखा। तो यहाँ पे भी चली गई है, तो घर भी सोना सोना लग रहा है बहुत ज़्यादा, दिल भी नहीं लग रहा। उवैद भाई हैं मगर फिर भी यहाँ पे चली गई, दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो वैसे यहाँ पे तो आएंगी शायद सैटरडे संडे तो आएंगी, तो उसके बाद में देखेंगे जो भी है। तो फिलहाल हम तो एडिटिंग करेंगे सबसे पहले, और आज एडिटिंग में थोड़ा लेट हो गया हूँ। जो भी है प्यार देना ज़्यादा से ज़्यादा, इससे रिलेटेड ही है मेरे ब्लॉग चल रहे हैं, तो प्यार देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।